करेंगे बुलेटिन की। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज आंकड़े डराने वाले हो गए हैं। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 75% मरीज हैं। वहीं हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में तेजी लगातार नजर आ रही है। खुद गृह मंत्री अनिल विज भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हालांकि इस महामारी के बीच एक बात संतोषजनक यह है कि अब तक कोरोना का कोई नया वेरियंट भारत में नहीं आया है। तो इसी बीच जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना पूरी यहाँ पर जताई जा रही है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कोरोना अब लौटा है, साथ ही साथ कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। इसी बीच एम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमरिंदर सिंह मलाही हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और जानकारी देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब कोरोना एक बार फिर से बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, साथ ही साथ चौथी लहर आने की पूरी आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ अपनी इस पर आप राय देंगे? क्या कुछ नए वेरिएंट यहाँ पर आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? देखो, नए वेरिएंट की तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि नए वेरिएंट की बात अभी नहीं है। जो भी केसेस है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के, उसके जो सब वेरिएंट्स हैं जो जिन्हें म्यूटेशन हो जाती है, वही केसेस हमारे को सामने को दिख रहे हैं। पर इसमें जो चिंता वाली बात ये है, हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल खत्म कर दिया है जी। हमने अच्छे से उसका पालन नहीं कर रहे, पूरे दिल्लीवासी भी, भारतवासी भी और हरियाणावासी भी। उसका प्रमुख कारण है हमारा मास्क। आज आप दिल्ली के कोई भी आउटस्कर्ट में चले जाओ, हरियाणा के कोई आउटस्कर्ट में चले जाओ, या बाहर के किसी के आउटस्कर्ट में चले जाओ, इवन आप मॉल्स देखो, क्रिकेट ग्राउंड, स्टेडियम्स देखो, कोई भी चीज जहां पर, जहां खाने वाली चीजें, जहां सिनेमा हॉल्स है, जहां मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, हर जगह पर आप देखोगे जाके कि कोई मास्क नहीं लगा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई रखी है लोगों ने। इसी कारण ये जो केसेस अभी आ रहे हैं भारत में, अभी देखो जो 16,000 केसेस करीब केसेस आए हैं लास्ट 24 आवर्स में, 20 डेथ्स हो गई हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिविटी रेट है अराउंड 4% है जी। और दिल्ली में देखा जाए 1447 केसेस आए हैं एक दिन में, और उसका पॉजिटिविटी रेट अराउंड 6% है। तो धीरे 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 हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर अच्छे से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए, और जिन लोगों ने दूसरी वैक्सीन डोज नहीं लगवाई या बूस्टर डोज नहीं लगवाई, कृपा करके जाएं और वैक्सीनेट कराएं। इससे एक अच्छी बात ये है कि ये लंग्स को ज्यादा इंफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रह रहा है। मतलब गला खराब होगा आपका, थोड़ा सा फीवर होगा, थोड़ा सा हेडेक होगा और माइल्डनेस होंगे, थोड़े थकावट आएगी, पर लंग्स इन्वॉल्वड इस वेरिएंट में नहीं दिख रहे, ये पॉजिटिव है। इसी कारण ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो पा रहे, नहीं हुए, जो अच्छी बात है, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स घर पे ही रह के ठीक हो जा रहे हैं। जो भी आंकड़ा दिख रहा है उसको कम से कम आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि लोग तो टेस्ट कराने भी नहीं आ रहे जी। तो इतने कम से कम इंडिया में मामले होंगे, और दिल्ली में भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, पॉजिटिविटी रेट भी हमारा उतना ही ज्यादा होगा। बात यह कि सिर्फ माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के सिम्टम्स रहते हैं, गला खराब हुआ, थोड़ा फीवर हुआ, जुकाम लगा तो ठीक हो गया, तो इसी कारण लोग ज्यादा नहीं आ रहे। बट जो 60+ है, कोमोर्बिड कंडीशंस है, या बच्चे जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी जी, उनको बहुत ध्यान से रहना है, अपना सही टाइम पे इलाज कराना है, और सही टाइम पे डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज शुरू कराना है।
बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले कोरोना के जो नए केस आ रहे हैं उसमें जरूर कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए फर्स्ट वेव की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था, लेकिन जो सेकेंड वेव आई थी उसने भयावह मंजर सभी को दिखाया था, क्योंकि लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड सबसे ज्यादा हुए थे और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तीसरी वेव में जरूर कमी देखने को मिली, लेकिन अब चौथी वेव की जो आशंका जताई जा रही है, हालांकि आंकड़े अभी इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब भी जो आंकड़े आ रहे हैं वैक्सीनेशन होने के बाद भी, तो ये कहा जा सकता है कि एक बार अगर वैक्सीनेट हो गए हैं तो कम से कम 3 महीना तो आप सेफ रहेंगे। एब्सोल्युटली, देखो जिसको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों लग चुकी है और इवन जिनको बूस्टर डोज भी लग चुके हैं, ठीक है जी, उनको अगर इंफेक्शन होती भी है तो बिल्कुल मिनिमल टू माइल्ड होगी, जरा जुकाम हुआ, गला खराब थोड़ा सा हुआ, वो ठीक हो गया जी। पर जिनको बिल्कुल भी फर्स्ट डोज में लगी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव गॉट फर्स्ट वैक्सीन डोज, पर सेकंड डोज काफी लोगों को अभी तक नहीं लगी, इवन बूस्टर डोज भी काफी लोगों को नहीं लगी। मैं देख रहा हूँ कि हमारे एम्स में भी काफी लोग अभी खाली पड़े हैं, जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर इवन बाहर आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली और बाकी राज्य में भी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो चल रहा है, पर लोग नहीं आ रहे जी। जब उनको लगता है कि जब थोड़े केसेस बढ़ने लगे तब वो वैक्सीनेशन लगाने चले जाते हैं, पर ये गलत बात है। वो आपको जो वैक्सीन है, आपको सेकंड डोज लगी होगी, बूस्टर डोज लगी होगी, तो आपका जो म्याद है एंटीबॉडी सुरक्षा प्रणाली का आपको फाइट करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, तो आपको जरा सी इन्फेक्शन होती है अगर आपको अच्छे से डोज लगी हो जी। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके से वैक्सीनेशन तो बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है सेकंड वेव के बाद कि अगर आप वैक्सीनेट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में इतनी क्षमता नहीं होगी कि इस खतरनाक वायरस से आप लड़ाई भी लड़ सकें, तो इसलिए वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है। लेकिन आप विस्तार से जानकारी दें, क्योंकि देखिए जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको ये समझाना और बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी भी वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना कितना जरूरी है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि अगर आपकी दोनों डोज लग चुकी है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, अब बूस्टर डोज का जो जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सेकंड डोज तक ही सीमित रह जाते हैं, उसके बाद उनको ये लगता है कि अब जरूरत नहीं है, तो एक बार ये जरूर समझाएं कि वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कितने समय तक रहती हैं, और अगर उसके बाद कोरोना होता है तो शरीर के अंदर क्या क्या प्रभाव और क्या क्या असर देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखो मैं इसमें सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा, अगर आपको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लग चुकी है जी, तो आपको जो एंटीबॉडी लेवल सिग्निफिकेंट, जो अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज है जो आपकी बॉडी में रहेंगी, ब्लड में रहेंगी, जो आपको सुरक्षा प्रणाली प्रदान करेंगी 4 to 6 months, ये यूके में भी स्टडी हुई है, हम इंडिया में भी कर चुके हैं और यूएस में भी स्टडी हुई है, लगभग सबकी जितनी पाए कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, चाहे जो भी वैक्सीन मोडर्ना फाइजर जितने भी बाहर की वैक्सीन है, इधर वैक्सीन है, उन्होंने ये बताया कि कम से कम 4 to 6 months तो ये सुरक्षा प्रणाली प्रदान करती करती है। तभी तो हर 4 to 6 months में आप बूस्टर डोज लगाने की प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई हुई है। तभी तो भारत ने भी जनवरी फरवरी में स्टार्ट कर दी थी बूस्टर डोज की प्रतिक्रिया। अभी भी जिनको दोनों डोज लग चुकी है, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाया, वो कृपा करके जाके अपनी बूस्टर डोज अपने वैक्सीनेशन सेंटर में लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये भी आप एक बार जरूर बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि वैसे बहुत से दर्शक होंगे जिन्होंने शायद, अगर देहात क्षेत्र की बात करते हैं तो आमतौर पर वैक्सीनेशन पर जोर जरूर दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर नहीं आते, क्योंकि बहुत लोग की भारत में भी अभी ये सोच है कि अगर हम गाँव देहात से आते हैं तो कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आंकड़े मौत के आए थे उसने एक चीज भी साफ कर दी है कि अगर कोरोना होता है तो गाँव देहात नहीं देखता है। अगर वैक्सीनेशन अभी एक डोज लगवा रखी है उसके बाद कोई डोज नहीं ली है, जो अब कोरोना हो रहा है उतना ही घातक होगा सेकंड वेव के बराबर। देखो जिनको फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लग चुकी है उनको एज कंपेयर टू डोज जिनको कोई वैक्सीन लगी या सिर्फ एक वैक्सीन लगी है, उनको खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज का म्याद खत्म हो जाता है 4 to 6 months में, तो इसलिए वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। अब मैं बताऊंगा इसमें सरकार क्या कर सकती है जी। सरकार को पता है कि अगर सपोज करो कि वो उसको अच्छे से जागरूक नहीं हो पा रहे लोग टेलीविजन के माध्यम से, जहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स,
या अपने जो मैन फोर्स है उसके कारण नहीं हो पा रही, तो एक काम किया जा सकता है, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन हमने जड़ से उखाड़ दिया था, घर पे जाके डोर टू डोर विजिटिंग करके किया जा सकता था, तो ये भी ये इसका जो जो प्रतिक्रिया है वो घर जा डोर डोर लग सकती है जाके, उसको अगर सरकार करे तो बहुत अच्छा किया जा सकता है, या इंसेंटिव थोड़े से दे दिया जाए कि जो वैक्सीन डोज खासकर जो गांव में रहते हैं लोग, तो उनको उनके लिए थोड़ा इंसेंटिव कर दिया जाए कि जो लगवाएगा उसको सब्सिडी दी जाएगी, तो उसको कुछ जैसे 500 रुपया 200 रुपया एक तरह का एक इंसेंटिव दे दिया जाएगा पर्क्स, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। इसके कारण हमारे क्योंकि हमने पूरे भारत को बचाना है, तो जब तक पूरे 70-80% लोग को हम अच्छे से वैक्सीन नहीं कर पाते तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी आना बेहद जरूरी है, उसके बाद ही इस खतरनाक वायरस से लड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे में अभी भी अब ये सवाल यहाँ पर सामने आता है कि आप वैक्सीनेट भी है, कोरोना भी आपको हो चुका है, कोरोना होने के बाद कहीं ना कहीं शरीर में अलग अलग तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं। हाइपरटेंशन लोगों को ज्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं दिल पे बहुत असर पड़ रहा है, लोगों के अंदर बेचैनी ऐसी समस्या लगातार बनी रहती है। अगर ऊपर सिर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को यह भी शिकायत है कि कोरोना होने के बाद सिर में दर्द भी बना रहता है, तो इस तरीके के सिम्टम्स कब तक रहेंगे और कब तक आने वाले समय में जा सकते हैं? देखो, जो आप कह रहे हो इसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। जी, लॉन्ग कोविड मींस कोविड के सिम्टम्स कोविड खत्म होने के बावजूद भी आपको रहें। सबको पता कि लंग्स तो इन्वॉल्व करता है, पर काफी लोगों को ये नहीं पता कि ये हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है। बिल्कुल, ठीक है। कार्डियो मायोकार्डाइटिस एक बीमारी है जो मायोकार्डियम होता है, जो हमारे हार्ट का उसकी इंफ्लेमेशन जब हो जाती है तो उसकी सांस लेने में आपको दिक्कत आती है। तो जब ये दिक्कत आए आप तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास या मेडिकल फिजिशियन के पास जाएं और वो आपका ईसीजी करेगा, इको करेगा, इको करके देखेगा कि कार्डियक एमआर की जरूरत तो नहीं है, तो उसमें पता लगेगा कि आपको कितने परसेंट आपका हार्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रहे हैं ईसीजी का, और तो उसमें टीएमटी भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि टीएमटी एक भी टेस्ट है, टीएमटी भी करा सकते हैं क्या? देखो, वो कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ईसीजी में चेंजेस आती हैं तो वो पहले इकोकार्डियोग्राफी करके देखेगा। अगर उसको लगता है कि इसको टीएमटी 24 आवर इसकी रिकॉर्डिंग की जाए ईसीजी की, तो वो भी कर सकता है। अगर किसी को पल्पिटेशन ज्यादा रह रही है, बार बार आ रही है, तो फिर वो उसकी 24 आवर स्टडी, जिसको आप टीएमटी भी कहते हो, होल्टर, सबसे पहले होल्टर किया जाएगा, उसके बाद टीएमटी अगर उसको लगता है कि करने की जरूरत है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, वो एक तरह का आपको एक्सरसाइज करा के दिखाते हैं कि आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो उसके बेसिस पे आपको निर्णय लिया जाता है कि सीटी करना है कि एमआर करना, क्योंकि ये कोरोना वायरस जब हार्ट की छोटी छोटी आर्टरीज होती है उसको इन्फेक्ट करता है, इन्फ्लेम्ड कर देता है, तो कई बार वो बंद हो जाती है आर्टरी, तो उसको पहले ही आप उसकी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके देख लिया जाए कि ये आर्टरी बंद तो नहीं है, तो कार्डियोलॉजिस्ट उस बेसिस पे अगर आपके उसको लगता है कि इन्फ्लेम्ड है या बंद होने वाली है आर्टरी, तो उसको खोलने की प्रतिक्रिया स्टेंटिंग और प्रोसीजर करके उसको जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये जो सवाल था टीएमटी का वो इसी वजह से था, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोरोना का जो प्रभाव है एक तो वो लंग्स पे सबसे ज्यादा रहता है, दूसरा दिल पर असर वो छोड़ता ही छोड़ता है, और जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है। वैसे आमतौर पर जो अटैक आता है वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से आता है, लेकिन इसमें जो आर्टरीज ब्लॉक होती है तो ये कहा जा सकता है कि जो युवाओं में आजकल हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कोरोना का भी एक दुष्प्रभाव ये हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बता देना चाहता हूं कि जिनको जरा से भी हार्ट की प्रॉब्लम रही है कोरोना के टाइम पे, या कोरोना के विद इन 2-3 वीक्स या एक महीने के अंदर अंदर उसको सिम्टम्स आए हैं, उसको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी जिमिंग नहीं करनी, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से आप स्लो वॉकिंग कर सकते हो, जरा ब्रिस्क वॉकिंग या ज्यादा हैवी रनिंग या हैवी, क्योंकि डिमांड स्ट्राइक बढ़ जाती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको अपने फिजिशियन से और कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और दूसरी बात अगर कोई जांच में कोई तकलीफ आई है तो कार्डियोलॉजिस्ट का निर्णय बनता है कि
आगे उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके उसको ट्रीट किया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये जो जितनी जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज जरूर बताएं कि कोरोना का जो प्रभाव है वो दिल पे आता है, ये बात स्पष्ट है, तो अगर ज्यादा टेस्ट ना कराया जाए सिर्फ ईसीजी से इसका आइडिया लग सकता है? देखो ईसीजी में अच्छे से कई बार नहीं पता लगता जी, ठीक है, आपको कार्डियोग्राफी करके कुछ पता लग सकता है कि आपका हार्ट फंक्शन कितना कम है, अगर उसमें हार्ट फंक्शन कम दिखता है तो फिर करता है आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करा के देखता है कि एक बार सीटी स्कैन करा लिया उसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी जो दिल की नाड़ियां होती हैं उसको उसको कोई डिजीज तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, उसमें सोजिश तो नहीं आ गई जिसके कारण वो बंद तो नहीं हो गई, तो उसको देखने के लिए वो सीटी कराता है। अगर उसको लगता है कि उसमें परसेंट सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस है कि ज्यादा सुकड़ गई है आर्टरीज, तो उसकी फिर वो इन्वेसिव एंजियोग्राफी करके उसको जो नाड़ियां उसकी बंद हुई हैं उसको खोल देता है स्टेंटिंग करके। लेकिन जिस तरीके से देखिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी 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 डॉक्टर साहब, मैं यही कह रहा था कि कार्डियोलॉजिस्ट का यहाँ महत्वपूर्ण रोल है। पहले ईसीजी में अगर कोई चेंजेस आती है तो इकोकार्डियोग्राफी करेगा, इकोकार्डियोग्राफी में कोई चेंजेस आती है उसको लगता है कि इसमें इसको एंजियोग्राफी करने की जरूरत है तो फिर वो एंजियोग्राफी करके देख लेगा कि उसमें कोई नाड़ी सुकड़ तो नहीं गई, तो अगर सुकड़ी है तो उसमें उसको ट्रीट करना बहुत लाजमी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बार दर्शकों को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हमने जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर बातचीत की, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, अब कोरोना के बाद जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं उसके बारे में बातचीत हो गई है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर दिखाए, हार्ट का जरूर चेकअप कराए। अब देखिए डॉक्टर साहब एक सवाल यह भी आ जाता है कि लंग्स का हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद लंग्स सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए थे और अब लोगों को दिक्कत यह आती है कि जब लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले जो समय होता है जो जीवन रहा है उसमें सांस लेने में दिक्कत बनी रहती है, ज्यादा तेज चलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये लॉन्ग कोविड के ही सिम्टम्स हैं, अगर पेशेंट को उसके लंग्स इन्वॉल्व हुए थे, ज्यादातर सेकेंड वेव में हुए थे, अगर लंग इन्वॉल्व हुए थे अभी भी उसकी दिक्कत बनी हुई है, जहां उसके लंग्स उसका सीटी किया उसमें लंग में अभी भी फाइब्रोटिक चेंजेस आ रही हैं जिसके कारण अच्छे सांस नहीं ले पा रहा, जब चलता है तो सांस फूलता है, तो उसको वेरियस रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, वो उसको बताएगा कि कौन सी लंग की एक्सरसाइज है जिसके कारण आपका जो फाइब्रोटिक हो गया लंग या दूसरा जो बचा है उसको कैसे अच्छे से एक्सपेंड करना है और कैसे उसको देखभाल करनी है, तो वो एक फिजियोथेरेपी का प्रोसेस है, बहुत बहुत अच्छा रोल है। तो एक मशीन आती है वो मुंह में रख के आपको फुलाने के लिए बोलते हैं, तो स्पायरोमीटर बोलते हैं उसको, तो वो और फिजियोथेरेपी दोनों कंबाइंड करोगे तो काफी हद तक ये लंग वाले प्रॉब्लम ठीक हो रही है। बिल्कुल, लेकिन अब डॉक्टर साहब जो नया कोरोना का प्रकोप आया, लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े क्योंकि अब देखिए तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आमतौर पर लोगों की लापरवाही सामने आई रही है जब ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर अब कोरोना हो जाता है, वैक्सीनेट आप ऑलरेडी है लेकिन अब कोरोना हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या कुछ खान पीन का ध्यान रखना है? देखो सेम वैसा ही चलेगा, अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हो जाते हो तो आप सबसे पहले तो आप जांच कराएं, जो लोग ज्यादातर लोग नहीं करा रहे, तो उससे आप फिर आप अपने आप को सेग्रीगेट कर लें, एक अलग रूम पे सेग्रीगेट करते अपने फैमिली से अलग हो जाए, आइसोलेट हो जाए, ठीक है, और दूसरे को सिम्टम्स ना आए, तो जब तक आपको फीवर जब तक आपका 3 दिन लगातार फीवर खत्म हो जाता है तो फिर आप अपने फैमिली के साथ मिल सकते हो और अपने ऑफिस में आप जाना स्टार्ट कर सकते हो, तो जब तक आपको फीवर है तब तक आपने अपने घर पे ही रहना है। और जो खाने की बात कर रहे हो वो तो वही है कि आपको जो जो नॉर्मल आप रूटीन में खा रहे हो वो आप खाते रहे, हरियां सब्जियां ज्यादा खाएं और जिससे आपको ताकत मिले, और जैसे आप फ्रूट्स लेते हो वो लें, दूध का सेवन करें और बेसिकली हो सके तो उबलियां सब्जियां ज्यादा खाएं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक चीज खास ये भी हमारे दर्शकों को बताना हो जाता है, क्योंकि जब देखिए सेकेंड वेव आई थी तो कोरोना का प्रकोप
पीक पे था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, दुखद था। ऐसे में मेड्रोल जो दवा थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली थी, तो उसमें ऐसे बहुत से लोग थे जो बिना सोचे समझे उस दवा का सेवन कर रहे थे, उसका जो दुष्प्रभाव है वो भी नहीं जान पा रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेवन किया जा रहा था कि एक एंटी ड्रग है और कोरोना पर इसका प्रभाव ज्यादा है। तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है बिना किसी डॉक्टर के सलाह लिए ऐसी दवा खाना? आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि कोई भी मेडिसिन, इवन पैरासिटामोल भी, स्टीरॉयड तो बड़ी दूर की बात है, मेड्रोल की जिसकी बात की ना आपने जी, वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। बिल्कुल, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की निगरानी के हेठ ही आप दवाई का सेवन करना चाहिए, कोई भी मेडिसिन हो। तो उसमें आपको ये देखो, स्टीरॉयड के बहुत कुछ जगह पे हम देते हैं वो जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, पर ये जो वेरिएंट है, जो जैसे ओमिक्रॉन थर्ड वेव आया था और सब वेरिएंट फोर्थ वेव का जो प्रकोप बन रहा है, मैं अभी नहीं सोचता कि फोर्थ वेव आएगी, पर ये है कि जब ये जो सिम्टम आते हैं, जैसे गला खराब हो गया, हेडेक हो गया, जुकाम लग गया, तो माइल्ड हो गए, उसमें स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है जी। तो स्टीरॉयड का सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही यूज करेगा, और तब वो रोल आता है जब आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां आपकी जान बचानी होती है तो यूज करना, क्योंकि आपको देखा होगा कैसे ब्लैक फंगस आ गई थी, हमने स्टीरॉयड का दुरुपयोग कर लिया था, इसके कारण ही हमारे को ब्लैक फंगस इंडिया में आई, और कई कंट्रीज में नहीं ऐसे सिम्टम्स देखे गए, साइंस देखे गए जो हमारे देश में देखे गए, क्योंकि हमारे देश में व्हाट्सअप चल रहा था, एक जगह पे जो प्रिस्क्रिप्शन किसी को आई थी उसने सब जगह स्टीरॉयड लेना स्टार्ट कर दी लोगों ने। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, अपने आप मेडिकेशन मत करें, ग्लूकोपैथी से मेडिसिन ना लें, याद रखें। अवरिंदर जी, एक ये भी चीज जरूर बताएं कि देखिए जो कोविड चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक तो माइल्ड होता है, एक सीवियर हो जाता है। अब जो कोविड चल रहा है मौजूदा स्थिति में वैक्सीनेशन के बाद, वो माइल्ड सिम्टम्स देगा या फिर वो सीवियर भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है? क्योंकि देखिए वैक्सीनेट तो आप ऑलरेडी हैं, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का भी प्रभाव उस पर रहेगा। एब्सोल्युटली, अभी तक जितने भी सिम्टम्स देखे गए हैं, जो केस रिपोर्ट्स दिखी गई हैं, जब तक अभी जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स ही आ रहे हैं। हाँ, सीवियर उनको सिम्टम्स हो सकते हैं जिनको दोनों डोजेस नहीं लगी, या जिनको बूस्टर डोज नहीं लगा, या कोई 60 प्लस है, या जो कोई बच्चा जिनको अभी तक बिल्कुल एक बार भी वैक्सीन नहीं किया गया, 12 साल से कम बच्चे जिनको अभी तक, मतलब जिनको वैक्सीनेशन अभी तक नहीं मिली, तो उन केसेस में आपको एहतियात बरतना है और अच्छे से जल्दी फिजिशियन के पास जाना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है अच्छे से और उसका अच्छे से इलाज कराना है। लेकिन जो सिम्टम्स में कहीं ना कहीं देखिए बदलाव रहता है, पहले कुछ सिम्टम्स और रहते थे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं। तो जो अब कोरोना चल रहा है, हालांकि कम है, तो इसमें भी सिम्टम्स में ऊपर नीचे बदलाव रहेगा, क्योंकि देखिए 3-4 दिन वायरल का बुखार भी रहता है, वायरल भी अप्रोक्स 5 दिन तो लेके जाता ही है। ऐसे में बहुत लोगों को गलतफहमी ये हो जाती है कि ये वायरल है, बल्कि होता वो कोरोना है, कैसे पहचाने? जी, देखो ये बहुत मुश्किल है कि ये नॉर्मल, देखो जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो नॉर्मल वायरल इंफेक्शंस आती हैं बॉडी में, ठीक है, तो उससे बचाने का यही तरीका है, अगर आपको स्नीजिंग हो रही है, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के साथ सोर थ्रोट है, माइल्डियस हो रहे हैं, हेडेक हो रहे हैं, तुरंत आप एक बार उसका सीबीनेट या उसका कोई भी कोरोना का टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, यही तरीका है, क्योंकि बाकी भी वायरल इन्फेक्शन के लगभग सिम्टम सेम ही होते हैं जी। तो अभी वाले जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, इसमें फीवर आ रहा है, सोर थ्रोट आ रहा है, खांसी आ रही है, आपका जुकाम लगा रहता है, थोड़ा हेडेक होता है, थोड़ा माइल्डियस होते हैं, तो और इससे ऊपर कोई सिम्टम अभी नहीं आ रहे, तो अच्छी बात यही है कि अभी माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहा है, बट एहतियात रखने की बहुत अभी भी बहुत जरूरत है। आमतौर पर अमरिंदर जी, हमारे भारत में ये देखा जाता है कि स्मोकिंग जो है वो सबसे ज्यादा होती है, एक बार कोरोना आपको हो चुका है और कहीं ना कहीं लंग्स डैमेज है, जो दर्शक स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी इस सवाल का जवाब आप जरूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज बहुत खतरनाक हो जाती है, लंग्स पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है उसके बाद? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सिर्फ स्मोकिंग नहीं, जिसमें बीड़ी या सिगरेट आती है, जर्दा, कोई भी तरह का जर्दा, खैनी, पान, जिसमें गुटखा यूज करते हैं, या कोई तरह का जो नशा जो हम सेवन करते हैं,
अगर आपके एक बार लंग्स खराब हो चुके हैं कोरोना के कारण और उसके बाद कोई सिगरेट बीड़ी या जो भी मैंने बताया वो उसका सेवन करेगा तो उसको एक तरह का मतलब 4 to 5 times सिम्टम्स ज्यादा महसूस होंगे, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कोरोना हुआ था या जिसको कोई सेवन नहीं कर रहा अभी इन चीजों का। तो कृपा करके ये सब चीजों को त्याग दें, इसको इसको लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपका नुकसान ही होगा और घर का नुकसान समझो पूरे देश का नुकसान। तो जितना हो सके आप इन चीजों से परहेज करें। चलिए ठीक है अमरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे एम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमरिंदर सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।